लेट्स बिगिन। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शुरू करना है, दो पार्ट्स में है, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। टुडेज आर्टिकल इज बेस्ड अपॉन द माइक्रोस्कोप एंड होपफुली दिस इज अ एंडिंग ऑफ द आर्टिकल ऑफ योर कंप्लीट ऑप्टिक्स प्रे ऑप्टिक्स। सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है ये एक बेसिक आइडिया पे बिहेव करते हैं, और वो जो बेसिक आइडिया होता है दैट इज टू इम्प्रूव अ काइंड ऑफ पावर। अब वो कौन सी पावर है उसका जिक्र करते हैं। ऑप्टिकल पावर के बारे में तो पढ़ चुके हैं। सो दो तरीके की और पावर्स हैं विच वी आर इंटरेस्टेड इन। एक और पावर हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज द डिस्पर्सिव पावर। इसके अलावा दो किस्म की और पावर होती है, वन इज अ मैग्नीफाइंग पावर एंड द सेकेंड इज नोन एज अ रेजोल्यूशन पावर। तो जो रेजोल्यूशन पावर वाला आर्टिकल है वो हम कहीं ना कहीं वेव ऑप्टिक्स से जोड़ लेते हैं। सो ई की पावर भी बच गई स्टडी करने के लिए, एंड दैट इज मैग्नीफाइंग पावर। सो वैसे भी माइक्रोस्कोप का जब जिक्र है दिमाग में तो क्या समझ में आता है कि हमें किसी भी चीज को बड़ा करके देखना है, मतलब वायरस है, एल्गे है, इन किसके अंडर इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना है, डिटेल करके देखना है, एंड दैट्स अवर आइडिया ऑफ द माइक्रोस्कोप। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, सो दैट इज जस्ट लाइक अ लेंस विच वी यूज टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट्स। इन सिंपल टर्म्स हम उनको एक मैग्नीफाइंग लेंस का नाम भी दे सकते हैं। और फिर अगर हम चाहते हैं कि नहीं भाई मैग्नीफाइंग पावर जो है कम रह गई है, हमें और ज्यादा चाहिए, एक लेंस से गुजारा नहीं हो रहा है, सो वी कैन यूज अ मल्टीपल लेंसेज और द लेंसेज इन कॉम्बिनेशन सच दैट वी आर एबल टू जेनरेट मोर मैग्नीफाइंग पावर, तब हम उस आइडिया को बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो सिंगल लेंस यूज फॉर मैग्निफिकेशन is termed as what a simple microscope, और अगर हम एक से ज्यादा लेंस यूज कर लेते हैं, दो भी कर सकते हो, तीन भी कर सकते हो, 10 नंबर ऑफ लेंसेज भी कर सकते हो, इवन आवर प्रीवियस प्रॉब्लम जिसके अंदर आपके पास n नंबर ऑफ लेंसेज यूज करे हुए हैं, सो इन दैट केस वी आर डीलिंग विद द आइडिया ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हम दोनों ही किस्म के माइक्रोस्कोप को पढ़ने वाले हैं, एंड द मेजर आइडिया ओवर हियर इज डिसाइडिंग ऑन द मैग्नीफाइंग पावर। अब मैग्नीफाइंग पावर को समझने के लिए सबसे पहले हम अपनी आंखों को समझ लेते हैं कि हमारी आंखों का जो लेंस है वो किस तरीके से बिहेव करता है। तो ये आर्टिकल हमने 10th में पढ़ा हुआ है, अबाउट द ह्यूमन है, और बाकी बहुत डिटेल में पढ़ा होता है, पूरे एस्से में लिखे होते हैं आपने। हम डिफेक्ट्स की बात नहीं करते, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एन आई विच इज हैविंग अ डिफेक्ट, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल ह्यूमन आई, मतलब आपके जिनकी सही है, कोई चश्मा वश्मा नहीं लगाए, बिल्कुल सही आंखें। तो आंखों को स्टडी करने के लिए इन द टर्म्स ऑफ द फिजिक्स लैंग्वेज वी रिक्वायर द रेंज ऑफ विजन। दोबारा से, वी रिक्वायर अ रेंज ऑफ विजन, कहां से कहां तक बिना किसी ऑप्टिकल एड के देख सकते हैं। रिपीटिंग वंस अगेन, हम कहां से कहां तक बिना किसी ऑप्टिकल एड से देख सकते हैं। तो उस रेंज ऑफ विजन को हम डिफाइन करते हैं बाय द एक्सट्रीमिटीज, और जो दो एक्सट्रीमिटीज होती है फॉर द रेंज ऑफ द विजन दे आर टर्म्ड एज A near point and a far point. तो near point का मतलब होता है minimum किसी object को आप अपनी आंखों से कितनी दूर रखोगे ताकि आप उसको optical clarity से देख पाओ, और दूर से दूर आप उस particular object को कहाँ रख सकते हो ताकि आप उसको फिर से उतनी ही optical clarity से देख पाओ। I am not talking about the size, I am talking about the optical clarity, right? You can also have a lens of a very high quality जिससे आप बहुत दूर की बर्ड को बर्ड वॉचिंग कर सकते हो, एंड स्टिल इट विल अपीयर विदाउट एनी ब्रेकेज ऑफ द पिक्सल, एंड ऑफ कोर्स यू कैन आल्सो सी वेरी नियर ऑब्जेक्ट इन वेरी मच डिटेल विदाउट ब्रेकिंग एनी पर्टिकुलर पिक्सल, व्हिच मींस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्टिकल क्लैरिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द साइज ऑफ द इमेजेस। सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन द टू ऑर्डर। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द फार पॉइंट और अबाउट द नियर पॉइंट, आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल रेंज ऑफ विजन unaided by any optical aid. Great. अब optical aid का मतलब ये नहीं होता है कि आपको चश्मा पहनना है, समझ आ रही है? Optical aid का अपन ये मतलब समझ रहे हैं कि that we are just having a defected eye, तो मेरे को या तो बीमारी है प्रेस बायोपिया, myopia, hyperopia, astigmatism या पता नहीं कुछ और उसकी वजह से मुझे चश्मे पहनने पड़े। No my dear, I just want to improve my range of vision. मैं दूर की चीज को अच्छे से देखना चाहता हूँ, स्टार्स को देखना चाहता हूँ, स्टार गेजिंग करना चाहता हूँ, सो आई एम यूजिंग एन ऑप्टिकल एड
So the optical instruments which you use for enhancing your range of vision, which a normal eye cannot do, उनको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाता है, उसको ऑप्टिकल एड बोला जाता है. सो योर कैमरा डीएसएलआर और एसएलआर या फिर आपका नॉर्मल कैमरा फोन का, ये सब आपकी ऑप्टिकल एड्स है. या यू आर टॉकिंग अबाउट अ टेलीस्कोप और अ माइक्रोस्कोप, दीज आर योर ऑप्टिकल एड फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई. सो नॉर्मल ह्यूमन आई क्या कर सकती है, पहले उसको देख लेते हैं. सो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी टर्म आपने पढ़ी हुई है इन योर जूनियर क्लास, that is a power of accommodation. So I'm going to begin this story with the idea of the power of accommodation. So let me talk about the term which is power of accommodation. Power matlab power to hume pata hai kya matlab hai power ka, that's an optical power, hai na. So jo power hoti hai that's equal to basically 1/4 focal length of the lens, par hamari aankhon mein lens laga hua hai. So we have a lens over here. This is a lens. अरे ये तो सेम लेंस है, पर ये तो अलग लग रहा है, पर है तो सेम. इट्स द सेम लेंस एंड इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस, दैट मींस इट्स काइंड ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस. बट हमारे जो आईलिड्स हैं, जहां पे सिलियरी मसल्स हैं, दे हैव सो मच ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दैट वी कैन एडजस्ट द अमाउंट ऑफ लाइट और द अमाउंट ऑफ लाइट फ्लक्स विच कैन एंटर अवर. अगर बहुत तेज रोशनी आती है तो हम अपनी आंखों के शटर को कम कर लेते हैं, एज इफ कि हम अपने जैसे कैमरा के शटर को चेंज कर रहे हो. और अगर लाइट कम आ रही होती है तो हम अपनी आंखों के शटर को इतना बड़ा कर लेते हैं ताकि हम मैक्सिमम फ्लक्स को अंदर खींच पाए ताकि चीजें हमें बेहतर दिखे. सो जस्ट लाइक इफ यू हैव अ वेरी डिटेल्ड कैमरा, उसके अंदर कैमरा की सेटिंग्स होंगी जिसके अंदर आपको अपर्चर साइज या फिर अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो कि गैदर कर रहा है, ये सारी सेटिंग्स करने का मौका मिलता है. वैसे ही आपको भगवान ने आपके इतनी सटीक दी है कि वो ये सारी सेटिंग्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने आप कर लेती है. और उसी आइडिया को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन, ताकि वो पास वाली चीज को भी और दूर वाली चीज को भी उतनी ही ऑप्टिकल क्लैरिटी से देख पाए. तो वो जो रेंज ऑफ विजन है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है, दैट इज अ नियर पॉइंट एंड अ फार पॉइंट. व्हिच मींस इफ आई एम कंस्ट्रक्टिंग दिस एज अ नॉर्मल ह्यूमन आई एंड अ लेंस ओवर हियर, और ये इसकी ऑप्टिक एक्सिस है और द प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसका ऑप्टिकल पोल है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट अ नियर पॉइंट ओवर हियर, लेट मी राइट दिस एज एनपी, एंड आई एम आल्सो इंटरेस्टेड इन अ फार अवे पॉइंट ओवर हियर, जिसको मैं लिख रहा हूँ एफपी. इज नोन एज अ नॉर्मल नियर पॉइंट एंड दैट्स अ नॉर्मल फार पॉइंट, जो हमारे स्टैटिस्टिकल डेटा कहता है हमें ये जो डिस्टेंस होता है दैट इज मिनिमम 25 सेंटीमीटर फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई. मतलब अगर आप 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे वो आपको ब्लर्ड दिखेगा, वो आपको ऑप्टिकल क्लैरिटी से नहीं दिखने वाला है. इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आंखें खराब है, इसका मतलब ये है कि आपकी आंखों पर जो पीपल का साइज है या जो रेजोल्यूशन है वो उसको मैच नहीं कर पा रही. सो मिनिमम आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, एनपी पर रखोगे, और मैक्सिमम आप एफपी पर रख सकते हो. एफपी के बियॉन्ड आप नहीं देख सकते हो, पर आयरोनिकली एफपी का कोई सेंसिटाइज मेजर नहीं है, तो हम उसको इन्फिनिटी मानते हैं या होराइजन मानते हैं, कि जैसे हम बीच पर बैठे हैं एंड वी आर वॉचिंग एज फार एज वी कैन एंड वी कैन सी द होराइजन, दैट मीन्स द लैंड मीट्स द सी, वहां तक हम देख सकते हैं दूर तक. अब वो डिस्टेंस तो हम नाप सकते नहीं है, बहुत ज्यादा है, इसलिए हम उसको इन्फिनिटी बोल देते हैं. सो अ नॉर्मल far point is supposed to be existing very far away, that means at infinity. So anything less than that particular infinity will be known as a corrected far point, hai na, ya fir a defected far point. Matlab aap dur tak dekh nahi pa rahe, bahut dur dekhne mein aapke aankhon ko dikkat ho rahi. Otherwise jab hum bahut dur ki cheez dekh rahe hote hain, so hamari eyes bahut relaxed hoti hai. On the beach sitting and watching the sunset is a treat, which means our eyes are completely relaxed, which means when you are actually setting your eyesight for the far point vision, so your eyes are completely relaxed. So if you are watching an object which is supposed to be at a far point, then in that case your eye seems to be completely relaxed. So which means the eye is in the relaxed position, ya fir we can say it is a
लीस्ट स्ट्रेंड पोजीशन, मतलब आंखों में दर्द नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसी ऑब्जेक्ट को दोबारा से, उसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट नहीं बदला, उसी ऑब्जेक्ट को अगर आप यहां रखोगे कहां पे, नियर पॉइंट पे, तो फिर वो चीज आंखों के पास आने की वजह से आपकी आंखें शटर में ओपन हो जाएंगी। इसका मतलब नाउ योर आई गेट स्ट्रेन्ड, मीनिंग जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट करोगे, इन दैट केस योर शटर इज गोइंग टू स्टार्ट ओपनिंग अप, एंड एज यू आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स अ नियर पॉइंट आपकी आई सबसे ज्यादा स्ट्रेन हो जाएगी। तो स्ट्रेन यहां से शुरू हो रहा है और यहां पर जाके आपकी आई जो है वो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेन हो जाती है। अब उसके पीछे का रीजन मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं सोचने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने सोचने की कोशिश करी तो मुझे बात समझ में आने लगी बहुत धीरे धीरे। अब वो क्या समझ में आने लगी उसको मैं स्केच करके दिखाता हूँ कि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट है वो ऐसे एंटर कर रही थी, यहाँ से इसकी टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट से, मतलब सारा फ्लक्स जो है वो इतने में समा रहा था, इतने में। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था फार पॉइंट पे, इसकी जो मैक्सिमम रे है वो भाई देखो ध्यान से वो अब ऐसे आ रही है, तो सारा फ्लक्स जो है वो ऐसे आ रहा है, ज्यादा पैरेक्सियल हो चुका है, इट हैज बिकम पैरेक्सियल। इसका मतलब अगर मैं इसको थोड़ी मैथमेटिकल टर्म्स के टर्म्स में समझना चाहूं, सो आई कैन एक्चुअली डिफाइन एन एंगल। सो एंगल के लिए मैं न्यू पोजीशन बना लेता हूं, मतलब मैंने ऑब्जेक्ट को कहीं बीच में कहीं पे यहां पे रखा था और उस समय जो रे ऑफ लाइट मेरे यहाँ पे आंखों के ऑप्टिकल पोल पे गिरी थी तो उसका कोई एक एंगल क्रिएट हो रहा था, उस एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूं और इस थीटा को बोला जाता है एज अ विजुअल एंगल। विजुअल एंगल मतलब जिस एंगल पे आपको फ्लक्स रिसीव हो रहा, दैट्स योर विजुअल एंगल। इतने में ही आपको ये ऑब्जेक्ट समा के दिखेगा। कई बार एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, कभी एक नजर में पूरी बिल्डिंग को नहीं देख पाते हैं, बिकॉज द साइज ऑफ दैट बिल्डिंग इज मोर देन द एपर्चर साइज ऑफ योर आई, मतलब पीपल का जो साइज है आपकी आई का उसके अंदर समा नहीं पाएगा। तो आप थोड़ा पीछे होके देखते हैं जब तक कि वो साइज थोड़ा पीछे हो जाता है, एंड दैट एंटायर फ्लक्स कैन एंटर इनटू योर आई अपर्चर। सो गेटिंग टू द पॉइंट, ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं बदली है, सेम ऑब्जेक्ट है, तो सेम ऑब्जेक्ट को जब आप नियर पॉइंट पर रखेंगे तो दैट्स अ डेंजर सिग्नल। डेंजर सिग्नल मींस कि ये वाला जो एंगल होगा ये आपका मैक्सिमाइज हो जाए। सो दिस पर्टिकुलर एंगल इज गोइंग टू गेट मैक्सिमाइज, मतलब आपको ज्यादा आंखें बड़ी करने पड़ रही हैं। यू आर गेटिंग, ऐसे लग रहा है कि सारा फ्लक्स अब यहां से आपकी आंखों में आ रहा है पास से, ये एंगल बड़ा हो गया है। और जब फार पॉइंट देख रहे हैं तो फिर ये सूदिंग है, इजी है, ये वाला जो एंगल है ये आपका मिनिमम हो चुका है। एंड सो वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द लीस्ट स्ट्रेन एंड द मैक्सिमम स्ट्रेन ओवर देयर। तो उसको समझने के लिए ये वाली टर्म हमारे लिए बड़ी जरूरी है, इट इज अ विजुअल एंगल। बट देन ठीक है, ये बात तो सही है, पर हमेशा तो हम आराम नहीं कर सकते हैं, व्हिच मींस दैट सपोजेडली आई हैव सम काइंड ऑफ कोई पेन ले लेता हूं, लेट्स से मैंने यही ले लिया है। अब इसके ऊपर ये सिंबल्स बने हुए हैं, अब जो सिंबल्स बने हुए हैं अगर ये मेरी आंखों से बहुत दूर हो तो शायद मुझे वो सिंबल्स बहुत आसानी से ना दिखे, तो मेरे को तो समझना है कि वो सिंबल्स पे क्या लिखा हुआ है, तो मैं उसको अपनी आंखों के पास लेकर आऊंगा तब वो मुझे बड़े दिखेंगे और मेरी आंखें खुलती चली जाएंगी। सो दिस इज व्हाट आई एक्चुअली वांट, मुझे एक्चुअली डिटेलिंग चाहिए, दूर से चीजें छोटी लगती, तो मैंने बोला था ना कि मैं अभी साइजेस की बात नहीं कर रहा, अब मैं साइज की बात करना शुरू कर। तो जैसे जैसे मैं इसको पास में लेता आऊंगा तो क्या होगा, एक चीज मुझे बड़ी दिखने लगी। तो कोई चीज बड़ी दिख रही है या कम दिख रही है वो बेसिकली इस एंगल पर डिपेंडेंट है। जब ये एंगल आपका कम हो रहा है इसका मतलब वो चीज आपको छोटी दिखने वाली है, और अगर ये एंगल आपका इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब वो चीज आपको डिटेल में दिखने वाली है। पर आयरोनिकली आप इससे ज्यादा एंगल कर ही नहीं सकते क्योंकि वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से कम पे चला जाए। तो ये जो 25 सेंटीमीटर है हम इसको डी से डिनोट करते हैं और डी को बोला जाता है एज अ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और ये आपके काफी सारे क्वेश्चंस में यूज होगा ऑफ कोर्स।
नाउ व्हाट इज द पावर ऑफ द अकोमोडेशन, अगर हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को देखते हैं, दैट इज 1 अपॉन fl दैट्स इक्वल टू म्यू माइनस 1 एंड इनटू लेट्स से इफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, वैसे एग्जैक्टली है एप्लीकेबल होता नहीं है पर बात को समझाने के लिए है, दैट इज 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, मैं समझाने के लिए बात समझा रहा हूं। सो जस्ट अंडरस्टैंड आइडिया कि भाई ऑब्जेक्ट जो है, ध्यान जो ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन तो बदलती जा रही है, बट द आयरनी इज कि भाई जो इमेज बनने वाली है मेरे दोस्त वो तो रेटिना पे ही बनेगी, चाहे ऑब्जेक्ट यहां रख लो इससे भी जो इमेज है वो तो रेटिना पे ही बनेगी। अरे लेकिन साइज कम हो गया है, और ये वाली देख लो जो कि फार पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा था तो उसकी इमेज देख लो वो भी रेटिना पे ही बनेगी लेकिन उसका साइज कम हो चुका है। सो एज यू आर शिफ्टिंग दिस, एज यू आर चेंजिंग द विजुअल एंगल, द साइज इज चेंजिंग, क्यों वी बदल रहा है, वी नहीं बदल रहा, द वी इज स्टिल द सेम, वी तो फिक्स है, इमेज तो रेटिना पे ही बन रही है, आपकी आंखें खराब हैं, अनडिफेक्टेड आई है, नॉर्मल ह्यूमन आई है, तो वी तो फिक्स है और आपका यू बदलता जा रहा है, ये आपका यू नियर पॉइंट का, ये आपका यू जनरल है और ये आपका यू फार पॉइंट का, लेकिन आप यू को बदल रहे हो पर वी नहीं बदल रहा, ये कमाल। तो मैंने सोचा लेंस फॉर्मूला लगा के देख लो, तो मैंने लेंस फॉर्मूला लगा के देखा तो मुझे पता चला लेंस फॉर्मूला होता है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ, क्या है भाई ये तो बदलेगा नहीं पर ये तो चेंज हो रहा है लगातार, तो ये एक पॉसिबिलिटी है एफ भी चेंज हो रहा हो, मतलब जो पावर है वो अपने आप सेट हो रही है, और पावर कैसे सेट हो रही होगी ये तो बदलने वाला नहीं है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने आप चेंज हो रहा होगा, इस एनिमेशन में भी दिख रहा है और यहाँ भी विजिबल है। सो एज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर कीप्स ऑन चेंजिंग, आपकी जो स्फेरिसिटी है लेंस की वो चेंज होती रहती है, as the sphericity of the lens keeps on changing, the focal length keeps on adjusting by itself, the power keeps on adjusting by itself, such that for different object positions, still the image is formed at a retina. Now, V ki value fixed aati hai. But of course, when I'm talking about the magnification, so the magnification is supposed to be equal to V upon U, lekin U change ho raha hai. So, jaise jaise U increase karega, M kam hota jata hai, to perfectly fit hai. U जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है आपकी जो साइज है इमेज की वो कम होती जा रही है। सो दैट्स द थ्योरी ऑफ द लेंस इज एप्लीकेबल टू द आईडिया ऑफ योर आई लेंस आल्सो व्हिच इज नोन एज योर कॉन्वेक्स लेंस। ये सब कुछ नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए, ये दायरा है ना, इसके कम डिस्टेंस पे आप देख सकते हैं नॉर्मल ह्यूमन आई की तरह, ना इससे ज्यादा डिस्टेंस पे आप देख सकते हैं नॉर्मल ह्यूमन आई की तरह, तो वो सनसेट देख सकते हैं, जुपिटर का सेटिंग नहीं देख सकते, तो मतलब आप ये नहीं दावा कर सकते हैं कि मैं 2 इंफिनिटी को देख सकता हूं, मैं 4 इंफिनिटी को देख सकता हूं, मैं 6 इंफिनिटी को देख सकता हूं, ये दावा नहीं कर सकते हैं, या आप ये दावा नहीं कर सकते कि मैं 20 सेंटीमीटर की भी चीज देख सकता हूं, मैं 5 सेंटीमीटर की भी चीज देख सकता हूं, उसके लिए आपको ऑप्टिकल एड लगेगा। तो अगर आपको ये वाले रीजन में एंटर करना है तो माइक्रोस्कोप ले लो, ऑप्टिकल क्लैरिटी से चीजें दिखेंगी, और अगर आपको इसके बियॉन्ड चीजें देखनी है तो टेलीस्कोप पकड़ लो, तो आपका रेंज ऑफ विजन एनहांस हो जाएगा। सो एन ऑप्टिकल एड और एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली प्लेज अपॉन चेंजिंग द विजुअल एंगल, तो आपका विजुअल एंगल बदलता है और इस विजुअल एंगल के बदलने की वजह से आप अपने रेंज ऑफ विजन को बदल पाते हैं। अगर आपकी आई में डिफेक्ट होता है तो रेंज ऑफ विजन कम हो जाता है, रिपीट कर रहा हूं, रेंज ऑफ विजन कम तब होता है अगर आपकी आईज में डिफेक्ट होता है, तो तब आप क्या करते हो, आप चश्मे लगाते हो जिससे आपका रेंज ऑफ विजन रीस्टोर हो, जब बढ़ेगा नहीं वो इंक्रीज नहीं हो रहा, तो करेक्टिव लेंसेज जो होते हैं वो सिर्फ जो आपका रेंज ऑफ विजन कम हो गया होता है उसको रीस्टोर करते हैं, लेकिन जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप कैमरास, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये आपके रेंज ऑफ विजन जो नॉर्मल ह्यूमन आई का है उसको एनहांस करते हैं, हेंस दे आर नोन एज एन ऑप्टिकल एड्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सो विद दिस नॉलेज ऑफ द विजुअल एंगल नाउ वी एंटर फर्दर इनटू द स्टडी ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहां से जो हमने सीखा है वो ये सीखा है कि नियर पॉइंट पे आपका विजुअल एंगल क्या होता है, मैक्सिमम होता है,
हमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं करना है जिसके अंदर डिफेक्टेड ह्यूमन आई आएगा, वो हमारे सिलेबस कंटेंट में नहीं, पहले था अब नहीं। सो लेट्स डिफाइन द विजुअल एंगल। सो दैट्स द मैक्सिमम एंगल एट विच वी कैन रिसीव द फ्लक्स, या फिर मैक्सिमम साइज ऑफ द इमेज। पर विजुअल एंगल तो वेरी कर सकते हैं नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच में, इसका मतलब साइज ऑफ द इमेज जो है वो वेरी कर सकती है, राइट? सो विजुअल एंगल जनरल डिफाइंड है किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर, और ये अनएडेड आई के लिए, मैं नियर पॉइंट और फार पॉइंट नहीं बता रहा। सो दिस इज फॉर एनी जनरल पोजीशन बिटवीन द नियर पॉइंट एंड द फार पॉइंट, राइट? लाइक दिस। तो ये एक्चुअली आइडिया रे डायग्राम बनाने के लिए कि ये आपका ऑप्टिकल पोल है और आपको यहाँ पे इमेज मिल जाए, राइट? सो दिस इज रे डायग्राम। पॉइंट क्या है, बात को सुनना ध्यान से। अगर कोई इमेज या ऑब्जेक्ट मान है ना, वो आपका एनपी और एफपी के बीच में, तो 100% गारंटी है कि इमेज रेटिना पे बन जाए, आपको चिंता करने की जरूरत है। सो इसका मतलब जो भी आप बीच में लेंस यूज करोगे, इसके अलावा एक तो आपको का लेंस है, इसके अलावा जो भी आप लेंस यूज करोगे इसके साथ में ऑप्टिकल एड की तरफ, उसका ये काम है कि वो जो इमेज है अपने थ्रू जो कि एक्स्ट्रा लेंस लगाओगे इसके सामने लगाओगे, वो इमेज एनपी और एफपी के बीच में बना। अगर उसने एनपी के इधर इमेज बना ली तो आपको नहीं दिखेगी, अगर उसने इमेज यहां बना ली तो आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि आपकी आई की पावर ऑफ एकोमोडेशन के परे हो। सो एनी लेंस विच आर गोइंग टू यूज एज एन एड मस्ट हैव दिस रेंज कि वो क्या करे कि जो भी इंटरमीडिएट इमेज बनेगी उस लेंस से इमेज आएगी, जो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट इमेज। तो वो जो इंटरमीडिएट इमेज बनेगी वो आपके एनपी और एफपी के बीच में होनी चाहिए। सो दैट्स अवर कॉन्सेप्ट दैट द इंटरमीडिएट इमेज मस्ट बी बिटवीन द नियर पॉइंट एंड अ फार पॉइंट सच दैट आई फॉर्म्स द इमेज एट रेटिन, एंड बाय डिफॉल्ट आई एम टेलिंग इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन। तो ये आई की सेटिंग होगी, ठीक है ना, आई की सेटिंग। अब आपको एक्स्ट्रा लेंसेज देखने हैं, आपको ऑप्टिकल एड लगाना है। क्यों लगाना है? व्हाई डू वी यूज एन ऑप्टिकल एड? टू एनहांस द विजुअल एंगल और टू एक्चुअली इंक्रीज और चेंज द रेंज ऑफ विजन, बढ़ाना ही, हम तो करना नहीं बढ़ाना है। सो फॉर दैट वी इंट्रोड्यूस नाउ स्पेसिफिक टर्म, जो कि क्या है, मैग्नीफाइंग पावर। सो लेट मी इंट्रोड्यूस अ टर्म नाउ व्हिच इज मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर का मतलब क्या है, लिख लेते हैं सीधा, एमपी, दैट्स द विजुअल एंगल विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल एड, मतलब आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करा है उसकी वजह से जो भी विजुअल एंगल आपने नया क्रिएट करा है, न्यू, एंड अपॉन द विजुअल एंगल फॉर अनएडेड। मतलब अगर आपने कोई ऑप्टिकल एड यूज नहीं करा है तो फिर जो विजुअल एंगल है वो नीचे है, और अगर आपने ऑप्टिकल एड को यूज करा है तो फिर जो विजुअल एंगल है वो ऊपर है। इसको लिख सकते हैं as theta upon theta not as an expression, as expression for the magnifying power, ऊपर भी एंगल नीचे भी एंगल, तो यूनिट्स तो होंगे नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा मान लो कि इसका फोर टाइम्स हो, तब इसको लिखोगे as four times, so this is used as x जो लिखा जा रहा है that is representing four times, right? और ये हमेशा बढ़ाना ही है, ये कभी कम नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपका आंसर हाफ हो गया, इट इज ऑलवेज ग्रेटर, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ही वही है कि हमें वो विजुअल एंगल को एनहांस करना, बढ़ाना है, कम नहीं करना, बढ़ाना ही। सो इसकी यूनिट्स होती नहीं है लेकिन इस तरीके से लिखी जाती है, उसको बोलते कैसे, फोर टाइम्स, फाइव टाइम्स हो गया, टू टाइम्स हो गया, थ्री टाइम्स हो गया, लाइक दैट। अब हम एंटर करते हैं इनटू द आर्टिकल ऑफ द माइक्रोस्कोप, सारी नॉलेज देने के बाद। तो अब जो हमारा माइक्रोस्कोप है, लिखा ही नहीं है माइक्रोस्कोप, क्यों? अरे यार एक ही लेंस है,
तो सिंपल माइक्रोस्कोप बोलो, छोड़ो क्या बोलेंगे, मैग्नीफाइंग लेंस। तो ये काम क्या, मैग्नीफाई करना। सो लेट्स क्रिएट दैट पर्टिकुलर लेंस। तो मान लेते हैं कि ये हमारा वो लेंस है, दैट्स अ लेंस, एंड इसके सामने हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर, आई कहां पर, अरे आखिर का है हमारे, तो हमने देखा होगा वैसे मतलब लैब्स वगैरह में या कभी भी ये जो कभी ब्लड टेस्ट वगैरह कराने जाते हो तो देखते होगे कि वो अंदर जो लैबोरेटरी होती है उसके अंदर लोग लगे होते हैं माइक्रोस्कोप पे। यू विल फाइंड दैट कि जो आई पीस है ना आपका, आई पीस वो बिल्कुल आई के साथ में छिपका हो है, जो आपका आई पीस है, आई पीस मतलब जो आपके साथ में लेंस छिपका हुआ उसका आई पीस बोलेंगे। मतलब इफ दिस इज योर आई लेंस, मतलब ये आपकी आई वाला लेंस है, ठीक है, तो ये बिल्कुल इसके साथ में छिपका रहता है, मतलब द लेंस विच इज केप्ट क्लोज टू योर ओन ह्यूमन आई इज नोन एज व्हाट, एन आई, तो ये आपका आई पीस। अच्छा अभी तो आपने बिल्कुल चिपका रखा है, आप देखते होंगे कि मतलब माइक्रोस्कोप अगर यूज कर रहे हो तो चश्मा भी उतार देते हो, बिल्कुल आंख लगा के देखते हो। सो दे आर इन कॉन्टैक्ट, द लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट, इसका मतलब ऑप्टिकल सेंटर एक ही बन चुका है, इसलिए आंखें गड़ा रखी हो, टच कर रखी हो, सो दैट ऑप्टिकल सेंटर इज वन ऑफ, पर एक्चुअली में वो दो। ठीक है, आप लेकर आ जाओ ऑब्जेक्ट को, सो लेट्स ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट को कहीं पे प्लेस कर, कहां प्लेस करें, हमने कहा इसकी फोकल लेंथ चेक करो, तो ये इसका प्रिंसिपल फोकस है, इस वाले लेंस का, आई का नहीं, इस वाले लेंस का, आई पीस का, तो ये आई पीस का आपका प्रिंसिपल फोकस है, तो ऑटोमेटिकली ये जो लेंथ है ये आपकी फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, लाइक दिस, और आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, तो स्ट्रेटेजिकली आपने क्या करा कि आपने अपना जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पे प्लेस करा, कहां प्लेस करा है, एफ और P के बीच में प्लेस करा। अगर एफ और पी के बीच में आप अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करते तो हमें पता है क्या होगा, इन दैट केस इमेज इज गोइंग टू बी फॉर्मड एज व्हाट, वर्चुअल एंड करेक्ट, इसका मतलब यहां से जो इमेज बनने वाली है वो एक्चुअली में ऐसे बनने वाली है, इट इज गोइंग टू बी योर वर्चुअल एंड करेक्ट, मतलब यहां पर कहीं पे आपकी ये इमेज बनेगी, आपको यहाँ पे इमेज दिख जाएगी। आपने क्या करा है, अपने ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखा, आप कैसे रखोगे भाई, आपने कभी माइक्रोस्कोप यूज तो करा ही होगा, तो जो स्लाइड होती है माइक्रोस्कोपिक स्लाइड उसको तो फिक्स कर देते हैं, फिर क्या करते हैं, अच्छा फिर लेंस को मूव करते हैं, क्या मूव करेंगे, लेंस को, है ना, मतलब एक्चुअली में या तो उसको ऑब्जेक्ट को जो उसकी ट्रे होती है उसको मूव करो या लेंस को मूव करते हैं, मतलब इसमें ट्यूब हो सकती है यहाँ पे, जैसे ट्यूब सिलेंडर जिसके अंदर ये लेंस फिटेड है और इसमें आप स्क्रू प्रोवाइड कर सकते हैं और आप उस पर्टिकुलर स्क्रू को घुमाओगे तो उस लेंस की पोजीशन मूव कर जाती है, वो पूरा मूव कर जाता है, ऊपर नीचे मूव कर जाए, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं, एंड सो यू कैन एडजस्ट की जो आपको ऑब्जेक्ट है वो आपके एफ और पी के बीच में एडजस्ट हो जाए, और अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर आपको उसकी मैग्नीफाइड इमेज मिल जाएगी, तो ये आपको मैग्नीफाइड इमेज मिल गई और इस डिस्टेंस को आप वी ई बोल दो, और ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका, दैट इज यू ई, दैट्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सिंपल, इट इज टू सिंपल। चलो ग्रेट, अब मैं सबसे पहले डिफाइन करता हूं कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप, और वो भी ये वाला माइक्रोस्कोप जो है, सिंपल माइक्रोस्कोप जो है उसको मैग्नीफाइंग लेंस बोल रहे, वो क्या होगा, तो लिखते हैं उसको, तो वो मैग्नीफाइंग पावर दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन थीटा नॉट, और थीटा नॉट का मतलब क्या है, मेरे को करना क्या, मेरे को एक्चुअली क्या करना है, बड़ा देखना, चीजों को बड़ा देखना, तो बड़ा था मैं नॉर्मल आई से भी देख सकता था, ना 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 ना, नॉर्मल आई से लिमिट थी कि मैं थीटा मैक्सिमम से ज्यादा विजुअल एंगल बढ़ा ही नहीं सकता, और वो कब थी, जब मैं उसको नियर पॉइंट पर रख रहा, मतलब अगर
ये मेरी आई थी और ये सेम ऑब्जेक्ट जो है ना, ये वाला जो एच हाइट का ऑब्जेक्ट है, अगर मैं क्या करता, मैं अपनी आई के सामने रख देता विदाउट हेल्प ऑफ दिस लेंस, तो ये जो ऑब्जेक्ट होता, ये मेरा जो विजुअल एंगल बना सकता था वो इतना बना सकता था, ये मैक्सिमम विजुअल एंगल था, इसके बियॉन्ड नहीं बना सकता, और इससे इमेज मुझे छोटी ही दिखनी, रीजन क्योंकि ये डिस्टेंस फिक्स है, ये डी के बराबर है क्योंकि ये तो मेरा नियर पॉइंट है, और इधर रखूंगा तो वो एंगल वैसे कम हो जाएगा। तो अगर मैं थीटा नॉट लिखता हूं और ये सारी पैरेक्सियल रे सिस्टम होता है, तो सीधा मैं टैन वैल यूज नहीं कर रहा हूँ कि टैन थीटा लिखूं, सीधा थीटा ही लिख रहा हूं, सो दिस थीटा नॉट फ्रॉम हियर विल बी इक्वल टू एच अपॉन डी, दैट्स अ मैक्सिमम विजुअल एंगल फॉर अनएडेड, मतलब जब मैंने इस लेंस का उपयोग नहीं करा, और अब तो ये लेंस आ गया भाई, और अगर अब ये लेंस आ चुका है इसका मतलब अब इसने मेरा विजुअल एंगल बढ़ा दिया, अगर इसने मेरा विजुअल एंगल बढ़ा दिया तो न्यू विजुअल एंगल क्या है, वो ये वाला एंगल है, दिस इज अ न्यू विजुअल एंगल। अब बोला सर ये तो इस पे आ रहा ना, ये रे ऑफ लाइट देखो मैंने यहां से पास किया, क्योंकि इन दोनों का सेंटर हो गया, क्योंकि जो ये पी है वो इस लेंस का भी ऑप्टिकल सेंटर बिहेव कर रहा है, और मेरी जो ह्यूमन आई है, मेरी आंखों का जो लेंस है उसका भी ऑप्टिकल सेंटर, तो अब ये जो पूरा फ्लक्स है वो यहां समा रहा है, इसका मतलब ये जो एंगल है वो क्या है, मेरा न्यू इम्प्रोवाइज्ड विजुअल एंगल है। अब मैं यहां से थीटा की वैल्यू चेक कर लेता हूं, तो मैं इस ट्राइंगल से मैं थीटा की वैल्यू चेक करूं, सो दैट थीटा इज कमिंग एज एच अपॉन यू ई, तो मतलब बेसिकली मैंने किसको बदल दिया है, किसको बदल दिया है, इस डिस्टेंस को बदल दिया है। अब मैं क्या बोल रहा हूं भाई कि थीटा की वैल्यू थीटा नॉट से ज्यादा है कि नहीं, क्योंकि तो तभी तो मैग्नीफाइंग पावर आएगी ना, वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम फोर टाइम फाइव टाइम, इसका मतलब ये वैल्यू इससे ज्यादा है, पर एच तो सेम है, तो मतलब ये इससे कम है, तो ये कम होगा तभी तो ये बढ़ेगा, मतलब यू ई की वैल्यू डी से कम हो गई है। बात समझ में आ गई मेरे को कि अगर मैं इस लेंस को यूज नहीं करता तो 25 सेंटीमीटर वाले रीजन की चीजों को मैं नहीं देख सकता था, लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर लेंस को यूज कर रहा हूं तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो 25 सेंटीमीटर से आगे शिफ्ट हो सकता है, और तभी तो वो मुझे ऑटोमेटिकली बड़ा दिख जाएगा, वो तो नॉर्मल बात है कि जितना मैं आई लेंस के क्लोज लेकर आऊंगा उतनी चीज बड़ी दिखेगी, हाथ को पीछे करके देख लो, हाथ को पास लाके देख लो, उतनी चीज बड़ी दिखनी है, लेकिन 25 सेंटीमीटर के पास में ला ही नहीं सकता था, लेकिन इसकी वजह से मैं लेकर आ सकता हूं। आइडिया डन, बात समझ में आ गई, फॉर्मूला बना रहे हैं बना लेते हैं, सो द फॉर्मूला फॉर द मैग्नीफाइंग पावर, दोनों को डिवाइड मारो आपका एक्सप्रेशन आ गया, सो द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू थीटा आ गया यहां से डैश एच अपॉन यू, मैंने ई क्यों लिखा है ये बोलने के लिए कि वो आई भी है, डिवाइडेड बाय थीटा नॉट, वो कितना है एच अपॉन डी, एक्सप्रेशन क्या बन गया मेरा डी अपॉन यू, ये बन गया भाई मेरा एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर, रटता है रट लो, समझना समझ लो, डी अपॉन यू ई, ठीक है, वेरी गुड एक्सेलेंट, क्या बात। अच्छा कितनी इमेजेस है इसका क्या मतलब हुआ, कितनी इमेजेस है, ऑब्जेक्ट कितना एक है, उसकी इमेज कितनी है, ये बन गई ना 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 ना, अरे ये तो इंटरमीडिएट इमेज है, दोबारा ये तो इस लेंस ने बनाई है ना, इस लेंस से बनी है, तो अभी एक और इमेज बननी है, वो कहां पे, रेटिना पे, उसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ये वाला लेंस नहीं होता तो इसकी वो सीधा मेरा आई रेटिना पे इमेज बना देता, लेकिन बीच में लेंस ले है, उसने पहले इसको पीछे शिफ्ट कर दिया, बड़ा कर दिया, और उसके बाद मेरे आई लेंस में ये रे गई और उसने उसकी इमेज रेटिना पे बना दी, क्योंकि मेरी आई तो नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल तो है, लेकिन वो तभी रेटिना पे फोकस कर पाएगा अगर आपकी जो इंटरमीडिएट इमेज बनी है वो आपके नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच में बने, इसका मतलब अगर मैं इसको यू ई बोल रहा हूँ ना मेरे दोस्त, तो दैट बेसिकली मींस कि ऐसा पॉसिबल है कि कहीं यहाँ पे ये नियर पॉइंट हो और कहीं यहाँ पर ये फार पॉइंट हो, और ये जो इमेज बनी है जिसको मैं इंटरमीडिएट इमेज बोल रहा हूँ
वो नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच में बननी चाहिए, और तब मेरा जो आई लेंस है वो उसको ऑटोमेटिकली रेटिना पे बना। ग्रेट जी, समझ में आ गया। इसका मतलब मेरे पास सेटिंग्स करने का बहुत मौका है। सेटिंग्स करने का मौका मतलब, अब आप इसको यू को बदलो, अगर आप इस यू को बदलोगे तो अकॉर्डिंगली कि इधर बदलोगे इधर बदलोगे तो ये इमेज मूव करेगी। कितना दायरा है आपके पास, इतना पूरा प्ले ग्राउंड है, कहीं भी आ जाए, कहीं भी आ जाए आपको दिखेगी ऑप्टिकल क्लैरिटी से, क्योंकि इमेज आपकी रेटिना पे बनेगी। लेकिन साइजेस डिफर करते हैं, तो ये जितना पीछे को बनेगी उतना साइज और बड़ा होता जाएगा, और जितना ये आगे को बनेगी इमेज तो उतना साइज अभी कम रहेगा। और समझ में आ रही है? पर इंटरमीडिएट इमेज आपका जो होनी चाहिए, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया, जितना मतलब ये आगे को बनेगी तो उतना मतलब इसका साइज बढ़ता चला जाएगा और ये फिर कम होता चला जाएगा। तो पॉइंट क्या है कि भाई इंटरमीडिएट इमेज जो है वो आपके नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच में बननी चाहिए। ठीक है, बना लेते हैं, नहीं तो वो तो बहुत सारे केसेस होंगे। तो चलो फिर एक्सट्रीमिटीज पे बनाना। एक्सट्रीमिटी के दो केस, केस नंबर वन। तो द केस वन इज इफ द इमेज इज फॉर्म एट फार पॉइंट, फार पॉइंट मतलब इंफिनिटी। दिस इज अ कंडीशन ऑफ रिलैक्स आई, मतलब अगर इंटरमीडिएट इमेज फार पॉइंट पे बनी है तो हमारी आई उसको देख रही है जो कि कहां पर है, फार पॉइंट पर, हमारी आंखें रिलैक्स हो। तो अगर इंटरमीडिएट इमेज वहां पर बनी है तो फिर उसकी लेंस इक्वेशन लगा दो। सो दैट इज गुड। किसने बनाई वो? इसने बनाई, आई पीस ने। उसकी फोकल लेंथ कितनी है? वो आपकी एफ ई के बराबर। सो दैट्स 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू एज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ये सब आई पीस के लिए, ये इमेज आई पीस ने बनाई, उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये वाला था। पर इमेज तो इंफिनिटी में बन गए, यहां पर बन गई, ये इधर पहुंच गए, तो ये तो इंफिनिटी हो गया। सो दैट्स 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन माइनस ऑफ यू because this is kept in front of the lens is equal to 1 upon f, so ye to zero ho gaya, so 1 upon u is 1 upon f, so therefore u e becomes equal to f। understood hai? agar aap isko idhar kar doge focus pe to ye to infinity pe bhag jayega, aur infinity mein intermediate image bani, usko meri eye ne focus kar liya retina pe, lekin meri eye relax kar gayi क्योंकि वो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट जो था ये इमेज बोलो वो तो फार पॉइंट पे थी, तो मेरी आई बिल्कुल रिलैक्स है, तो मुझे पसंद है, मुझे पसंद है क्योंकि इसमें मेरी आंखों को स्ट्रेन नहीं पड़ा। एंड सो दिस इज नोन एज द डिफॉल्ट सेटिंग्स। क्या बोला जाता है? डिफॉल्ट सेटिंग्स। तो डिफॉल्ट सेटिंग्स का मतलब होता है कि आप जो इंटरमीडिएट इमेज बन रही है उसको आप फार पॉइंट पे चेक करोगे, जिससे आपकी आंखों में दर्द ना हो, क्योंकि घंटों घंटों तक कई बार आपको माइक्रोस्कोप के अंदर झांकते रहना पड़ता है। Hence this is known as your default condition। अब default setting बहुत अच्छी लैंग्वेज तो है, तो इसको क्वेश्चंस बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब नॉर्मली इसी को यूज करोगे। तो जब भी क्वेश्चन में लिखा हो कि नॉर्मल एडजस्टमेंट सेटिंग्स है, तो इसका मतलब होता है कि आपके इंटरमीडिएट इमेज फार पॉइंट पे बनी हुई है समझो, तो उसमें u आपका f के बराबर होगा। ठीक, तो वेरी गुड। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या है? d अपॉन u। सो हेंस देयरफॉर द मैग्नीफाइंग पावर बिकम्स एज d अपॉन f। ये आपका एक्सप्रेशन तैयार हो जाता है फॉर द मैग्नीफाइंग पावर। तो भी फॉर्मूला d अपॉन u है, और इस केस में आपका u f के बराबर है, तो ये एक्सप्रेशन तैयार हो गया, और इसको मैं लिखूंगा एज m p इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब फार पॉइंट एक्सप्लेन होगा। एंड केस नंबर टू, केस नंबर टू इज दैट इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, मतलब एट डी, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ऐसी लैंग्वेज होगी क्वेश्चंस। तो अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला दोबारा लगा दो। सो दैट्स 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u एज इक्वल टू 1 अपॉन f। किसके लिए अप्लाई कर रहा हूं मैं? दैट इज फॉर आईपीसी, क्योंकि इमेज तो इंटरमीडिएट आईपीसी बना रहा,
तो इमेज कहां बन रही है, डी पे, माइनस डी, क्योंकि नियर पॉइंट भी फ्रंट है लेंस। माइनस ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होगा, इन द फ्रंट ऑफ द लेंस, इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। ग्रेट, साइन कन्वेंशन के साथ सब्स्टिट्यूट है। सो नियर पॉइंट भी इन फ्रंट है और ऑब्जेक्ट भी इन फ्रंट है, तो दोनों नेगेटिव है, डन। तो यहां से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एस वन अपॉन यू इज इक्वल टू, ये माइनस वन बाई टू राइट को चला जाएगा, सो दैट्स वन अपॉन डी एंड प्लस वन अपॉन एफ। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट पोजीशन निकालने को पूछा जाता है, पूछा जाएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा कि जो यू ई की वैल्यू है दैट्स इक्वल टू डी एफ ई एंड अपॉन डी प्लस एफ, और डेफिनेटली आपकी डी से कम, वो पहले ही समझा रही है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। सो वैसे भी आप देखो ना पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह दिख रहा है ना, तो डेफिनेट सी बात है कि ये दोनों से कम है, राइट। तो मतलब अगर ये तो 25 है, ध्यान से सुनना, ये तो 25 है और कुछ न्यूमेरिकल आपको आता है कि 5 सेंटीमीटर है, कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो अगर 5 सेंटीमीटर है और ये 25 सेंटीमीटर है तो ये आपका आंसर 5 सेंटीमीटर से भी कम है। तो आप तो 25 सेंटीमीटर के बाद सोच रहे थे, मतलब आपका 4.5 सेंटीमीटर पे भी आपको चीज दिखेगी और ऑप्टिकल क्लैरिटी से दिखेगी। चलो डन। अब मैं यहाँ पे मैग्निफिकेशन पावर लिख लेता हूँ, वो कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ से डी ऊपर ले जाए, सो दैट विल बी डी अपॉन यू, ठीक है ना, डी ऊपर ले गया, तो इसका मतलब यहाँ से क्या ले गया, वन प्लस डी अपॉन ए, मतलब डी को नीचे शिफ्ट करोगे तो वन बाय डी हो जाएगा, ये डी कैंसिल, सो डी अपॉन यू दैट बिकम्स वन प्लस डी अपॉन एफ, और डी अपॉन यू क्या, मैग्निफाइंग पावर। तो इस पोजीशन में, इस सेटिंग में, इसका कोई नाम नहीं है, क्वेश्चन सीधा बोलेगा द इंटरमीडिएट इमेज इज फॉर्मड एट डी और एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये सीधा क्वेश्चन में स्टेटेड होगा, या ये लिखा होगा या ये लिखा होगा, या कोई बीच का क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी हो सकता है, ज्यादातर इन दोनों पे क्वेश्चन आता है। सो यू विल हैव द मैग्निफाइंग पावर इन दिस पोजिशन, कैसे लिखो, डी लिख लेता हूं, इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा, दैट बिकम्स वन प्लस डी अपॉन एफ, और ये तो जाहिर सी बात है ना कि भाई जब पास होगी चीज नियर पॉइंट पे होगी तो साइज ज्यादा बनेगा, तो ये साइज ज्यादा बनेगा। अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन सोचो, जैसे मैंने अभी डेटा दिया कि आपको डी 25 गिवन है, वो तो होता ही है, दिया क्या है, एफ ई की वैल्यू 5 है फॉर एग्जांपल, तो 25/5 5, तो मैग्नीफाइंग पावर कितना है 5, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट, और अगर आपने उसको एनहेंस करना है तो 25/5 5 + 1 6, मतलब मैग्नीफाइंग पावर की रेंज कितनी है 5 × 6, दैट इज द रेंज थ्रू व्हिच यू कैन इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर। मतलब पहले तो 1 थी, अब 5 भी ना हो गई, या 5.5 भी कर सकते हो, या 5.9 भी कर सकते हो, 6 के बियॉन्ड नहीं कर सकते, 6 इज मैक्सिमम, सो दैट्स द रेंज, मतलब इसके बियॉन्ड नहीं कर सकते, तो 5 × 6 ये रेंज हो गई। अब आपको उससे ज्यादा करना है तो ये सिस्टम नहीं काम करेगा, मतलब एफ ई को कम कर लो, तो कितनी छोटी फोकल लेंथ का बना लोगे भाई, तो मैंने ऑलरेडी कम लिया होगा, 5 सेंटीमीटर का लिया है ना, सो फोकल लेंथ छोटी रखनी, मतलब ये जो आपका लेंस है इसकी फोकल लेंथ छोटी होनी चाहिए। अब बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, अब वो बोलेंगे सर बड़ा लगा हुआ लेंस, बेटा वो अपर्चर शो कर, ये जो साइज है वो अपर्चर शो कर रहा है, वो फोकल लेंथ नहीं शो कर रहा है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f = μ−1 × 1/r1 + 1/r2, उस पे डिपेंड करता है। ये जो आपको दिख रहा है ये अपर्चर, अपर्चर ज्यादा ही चाहिए क्योंकि आपको बड़ी बिल्डिंग छोटे में देखनी है। आप बड़ा कर रहे हो ना किसी चीज को, बड़ा करके देख रहे हो तो आंखों में तो समय ना, आई भी साइज टू बी ब्रॉडर टू इंक्रीज द फील्ड ऑफ व्यू। रिपीटिंग अगेन, आई पीस इज सपोज टू बी अ लार्ज अपर्चर such that you can have an enhanced field of view, like that one. In the case of microscope, बोल रहा हूँ, telescope की बातें नहीं कर रहा, general talk नहीं, ये specific talk है for the case of the microscope, right? So the eyepiece has small focal length. The focal length small क्यों है? ताकि magnifying power आपकी ज़्यादा हो इस formula के हिसाब से. If कम होगा तो magnifying power आपकी ज़्यादा रहेगी इस फॉर्मूले के हिसाब से, और इसका जो अपर्चर होना चाहिए, अपर्चर है सपोज टू बी लार्ज,
और वो इसलिए दैट इज टू एनहांस द फील्ड ऑफ व्यू. दैट्स अ कंप्लीट अबाउट योर सिंपल माइक्रोस्कोप. एनी क्वेश्चन विच विल कम यू कैन हैंडल. हर प्रोस्पेक्ट से क्वेश्चन हैंडल हो जाए. एंड वन मोर थिंग, मैग्निफिकेशन अलग चीज है और मैग्नीफाइंग पावर अलग चीज है. एनी टाइम द क्वेश्चन कैन आस्क फ्रॉम द सेम डेटा द मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, क्योंकि ये इसमें तब्दील हो गया. सो दैट ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज सिंपल, दैट इज वी अपॉन यू. ये और ये रिजल्ट सेम नहीं है, तो कई बार लैंग्वेज ट्विस्ट भी कर देगा क्वेश्चन. और इसी टर्म को वो एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बोल देगा. So that's your angular magnification. मतलब आपकी जो magnifying power है, this is also stated as an angular magnification. और ये आपकी transverse या lateral magnification है, तो दोनों अलग चीजें हैं. कुछ भी ठोक मत देना कहीं पर, right? So understood है. So that's your simple microscope or a magnifying lens. It has a limited range, but I want to improve the range. जैसे कैमरा खरीदा, उसमें डिफॉल्ट लेंस आते हैं, SLR. डिफॉल्ट लेंस आता है, फ्री मिलते हैं दो लेंस के साथ, बेसिक वाला. अब मेरे को तो भाई दूर वाली चीज देखनी है, मुझे तो भरतपुर बर्ड सेंचुरी जाके कुछ करना है, मतलब देखना है मुझे. सो आई रिक्वायर अ डिफरेंट लेंस, अ न्यू जूम लेंस. उसकी मेरे को फोकल लेंथ बदलनी है ताकि मैं और दूर की चीजें देख पाऊँ. सो द पॉइंट इज नाउ आई कैन एक्चुअली, तो जो बेसिक लेंस लगा उसके साथ में एड करके लगा दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस. सो आई एम एंटरिंग इन टू द आर्टिकल ऑफ द combination of the lenses once again, but this time its name is, and that is improved microscope or a compound microscope. ये पहला वाला आर्टिकल मैंने इतनी डिटेल में क्यों करवाया है, क्योंकि अब मैं इस आर्टिकल को ब्रेक करूंगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ब्रेक करूंगा. ब्रेक करूंगा मतलब आई पीस जो मैंने समझाया, दोबारा बोल रहा हूं, आई पीस जो मैंने समझाया है वो एज इट इज काम करेगा. तो उसकी वर्किंग को दोबारा समझने की जरूरत नहीं, हम समझ चुके. इसलिए मैंने आईपीस लिखा था, वहां पे तो सिंगल लेंस था, तो मैं आईपीस क्यों लिख रहा हूँ, मतलब एक लेंस है तो कुछ भी ना लिखूं उसके सब्सक्रिप्ट, उससे क्या फर्क पड़ना. पर मैंने वहां पे उसको आईपीस लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि अब जब मैं उसको दोबारा यहाँ यूज करने वाला हूँ तो मुझे उसके कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स अच्छे से पता है कि उसने क्या कर. तो अब मैं जो एक्स्ट्रा लेंस रखने वाला हूँ, अब मैं उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने वाला हूँ. सो लेट मी रीस्केच द कंप्लीट आइडिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आई पीस है उसको बना लेता हूँ. और मुझे पता है कि मुझे आई पीस लार्ज अपर्चर का बनाना था, तो मैंने वैसा ही बनाया. पर मुझे पता था कि उसकी फोकल लेंथ कम रहती है, तो मतलब आप जितने भी न्यूमेरिकल करोगे आपको ऐसे ही मिलेगा, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ऐसा डेटा मिलेगा. ये इसकी ऑप्टिक एक्सेस है. एंड देन आई हैव माय ह्यूमन आई, तो वो ह्यूमन आई भी बना लेता. So that human eye is over here. वो यहाँ पर है. और ये thin lenses हैं, तो ये optical center सारे एक ही. So that's optical center. ये इसका focal length है इस वाले का, इसको मैं FE लिख लेता हूँ. That's FE. और ये focal length की value, right? Great. अच्छा, और अब क्या करना है, मैंने एक और लेंस लेकर आना है. सो आई एम ब्रिंगिंग अनदर लेंस. अब वो जो एक और लेंस है वो मैंने कहीं यहां पे रखा. दिस इज माय न्यू लेंस व्हिच आई प्लेस ओवर. एक तो कुल मिलाकर मेरे पास 3 लेंस हो गए. एक तो मेरी आंखों का नेचुरल लेंस है, एक मेरा आईपीस है, देख ले, ये तो आईपीस है मेरा, उसका रीजन पहले समझ चुके. और इसको क्या नाम दें, इसको नाम देते हैं ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के पास है. वाई के पास है तो आईपीस, जो ऑब्जेक्ट के पास है वो ऑब्जेक्टिव. इसका एक और नाम होता है, इसको फील्ड लेंस भी बोला जाता है. मतलब आप फील्ड में हो, मतलब आप प्रैक्टिकली देख रहे हो, तो प्रैक्टिकली ऑब्जेक्ट को ही तो देख रहे हो. तो हेंस आइदर इट इज नोन एज अ फील्ड लेंस और आइदर इट इज नोन एज एन ऑब्जेक्ट. ग्रेट. अब क्या करूं, अब ऑब्जेक्ट लेकर आओ. So let's bring an object and place it where? वो सोचना पड़ेगा. अच्छा, इसकी focal length होगी, that is f0. And you can see कि इसका aperture मैंने उससे comparison में छोटा बनाया. You can see that. तो गलती से नहीं बनाया,
जानबूझ के बनाया हुआ, द डायग्राम इज एप्टली प्लेस्ड ओवर देयर। तो इसका एपर्चर कम होता है, इसका ज्यादा होता है, इसका ज्यादा क्यों होता है उसका क्वेश्चन आएगा, इसका कम होता है उसका क्वेश्चन नहीं। सो इन द माइक्रोस्कोप डाई पीस हैज अ लार्ज एपर्चर, रीजन पहले से बता दिया कि उसको फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा चाहिए, बड़ी चीज को देखना है तो फील्ड ऑफ व्यू एनहांस करने के लिए अपर्चर बड़ा है, पर फोकल लेंथ छोटी है। इसकी फोकल लेंथ अभी देखते हैं कितनी है एफ नॉट, तो ये इसका एफ नॉट लिख लिया ठीक, और ये इसका टू एफ नॉट होगा ठीक है इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल राइट, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अब मैंने क्या करा कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने एफ और एफ नॉट और टू एफ नॉट के बीच में कहीं प्लेस कर दिया। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे क्या समझ में आता है कि इसकी जो इमेज है, इसकी जो इमेज है वो बियॉन्ड टू एफ नॉट बने, मतलब इधर भी ये एफ नॉट होगा और ये टू एफ नॉट होगा, ये एफ नॉट और ये टू एफ नॉट, तो इमेज जो है इसकी वो बियॉन्ड टू एफ नॉट बनेगी। इसका मतलब उसका साइज बड़ा बने। अगर वही मैं इसके टू एफ नॉट के पीछे रखता तो जो इसकी वजह से, इस लेंस की वजह से जो इमेज बनती वो छोटी बनती, पर मैं छोटी क्यों बनाऊंगा, मुझे तो मैग्निफाई करना है ना, हेंस आई एम कीपिंग ओवर है। अब बोलोगे सर फिर एफ नॉट और पी के बीच में रख लो, ना ना ना, उससे तो इमेज उधर बन जाएगी, तो फिर आगे क्या हो। सो आई एम मेकिंग अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रिपीटिंग, आई एम मेकिंग अ रियल एंड इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज बाय द ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव का काम है टू क्रिएट अ रियल इमेज, an inverted image and a magnified image। तो चलो बनाए। इसकी वजह से जो आपकी इमेज है वो बना लेते हैं। So let's say this is and this is formed। That's beyond 2f not बन। ठीक है, beyond 2f not बन। और ये सेटिंग कैसे करोगे? उसके लिए आप यहाँ पर इस लेंस की ट्यूब चेक करोगे, उस ट्यूब का स्क्रू चेक करोगे। तो अगर आप इस स्क्रू को मूव करोगे तो ये वाला लेंस मूव कर सकता है, तो ऑब्जेक्ट फिक्स कर दिया, फिर ये लेंस मूव कर सकते हो ताकि आप इसके साइजेस को देख सकते हो कि बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है इसके रिस्पेक्ट में, और एफ नॉट और टू एफ नॉट के बीच में कहीं पर फिट कर, तो ये आपकी फिटिंग होगी, सेटिंग होगी। चलो ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इमेज बनेगी, फर्स्ट बनेगी। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेप ऑफ सेटिंग्स है कि भाई ये वाला जो लेंस है कौन सा आई पीस, उसकी अलग ट्यूब है तो उसकी सेटिंग्स अलग स्क्रू से होगी। अब आप उस पर्टिकुलर स्क्रू को मूव करो, तो आप इस वाली ट्यूब के स्क्रू को मूव करोगे, जब इसको मूव करोगे तो ये वाला लेंस मूव होगा। अब आपको इस लेंस को इस तरीके से मूव करना है कि भाई ये जो इमेज बनी है पहली ऑब्जेक्टिव के थ्रू, ये इमेज इसके एफ और पी के बीच में आए तभी तो ये काम करेगा, क्योंकि इसका जो वर्क है वो तो वही है जो कि हमने पीछे सीखा। देख लो भाई, जो आई पीस का काम है वो तो तभी कारगर है अगर जो ऑब्जेक्ट है वो आपका एफ और पी के बीच में हो, तभी तो ये सारा कार्यक्रम करेगा। तो हमने वही करना, तो हमने क्या करा है कि जो ऑब्जेक्टिव है उससे जो इमेज बनी है वो ये इंश्योर करना है कि वो इसके पी और एफ के बीच में बन जाए। चलो कर लिया हमने, उसके लिए सेटिंग्स है कि आप इस ट्यूब को मूव कर सकते हो, तो फिर ये इमेज पी और एफ के बीच में बन गई। खुश हो गए फिर हम, क्यों खुश हो गए? क्योंकि भाई अब काम हो गया हमारा। क्या काम हो गया कि भाई अब इससे जो इमेज है वो यहां बनेगी ऐसे, इससे जो इमेज है वो ऐसे जाके यहां पे एनलार्ज करके बन गए। सो दिस इज द इमेज विच इज गेटिंग फॉर्म, और ये आपकी सेकेंड इमेज है। पहली इमेज इससे बनी है, डिस्टेंसेस देख लेते, क्लियर रहेगा। ये u नॉट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, ये फर्स्ट इमेज बनी है। सो दैट्स योर v नॉट, दैट्स अ डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। अब ये जो इमेज बनी है वो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, सो दैट्स यू ई, दैट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द आई पीस। और उसने ये इमेज बना ली जैसे पहले बनाई थी, बस फर्क क्या है
ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड बनी, इसके रिस्पेक्ट में इरेक्ट ही बनी है जैसे पहले बनी थी, तो ऑब्जेक्ट ऐसा रखा था इमेज यहां बन गई, तो इसको भूल जाओ, इसने तो इसकी इरेक्ट ही बनाई है पर इसलिए इसने इन्वर्ट कर दी, तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ही इन्वर्टेड है, तो डन और मैग्नीफाइड हो, तो इसने भी मैग्नीफाई करी, ये बढ़िया। पहले इस लेंस को जो फीड मिल रही थी, फीड वो इस हाइट की मिल रही थी एच हाइट, तो वो एच हाइट को बड़ा कर रहा, लेकिन अब इस लेंस को जो फीड मिल रही है वो ही एनलार्ज, मतलब इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट पहले से बढ़ चुकी, तो भाई वो उसको और बड़ा कर देगा, एंड दैट्स द पॉइंट कि बेसिकली आपको जो रिसीव हो रहा है फ्लक्स वो ऑलरेडी हायर विजुअल एंगल का है और ये उस विजुअल एंगल को और बढ़ा, तो इसका काम क्या है कि इसको जो इमेज फीड कर रहा है, ये जो इंटरमीडिएट इमेज इसको दे रहा है वो बढ़ा के दे, वो इसका काम है, दैट्स ऑल। और आईपीस जो पहले कर रहा था वही करता रहे, तो इसका रोल बेसिकली क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन, रिपीटिंग अगेन, इसका रोल क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन, क्या दैट इज अ मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, तो वो कैसे मिलेगी, सो दैट इज बी नॉट अपॉन यू नॉट सिंपल, दैट इज बी नॉट बाय यू नॉट। अच्छा अब देखो उसमें बी नॉट पॉजिटिव है और यू नॉट नेगेटिव है ना, यू नॉट नेगेटिव है, बी नॉट पॉजिटिव है, इस वजह से ये मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तभी इन्वर्टेड इमेज बनी। अब क्या आप इसको बढ़ा सकते हो, यस हम बढ़ा सकते हैं, कैसे, अगर हम इसको और आगे मूव करें, तो इसको जितना इधर मूव करोगे ये जितना और आगे की तरफ शिफ्ट हो, इसका मतलब इसका साइज और बढ़े, अगर आप इसको पीछे ले जाओगे तो इसकी इमेज पोजिशन इधर आएगी और ये छोटा होना शुरू हो जाए, लेकिन अगर आप इसको इधर मूव करोगे तो फिर इसका साइज और बढ़ना शुरू होता है, करेक्ट है। अब हम यहां पर एक और टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, सिंपल के लिए नहीं, सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो न्यू टर्म है दैट्स टेकन एज एल, और एल का मतलब होता है, एल इज टेकन एज द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, और ये जो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप अगर आप डायग्राम से देखो तो ये V नॉट प्लस यू ई के बराबर है, सो दैट्स V नॉट प्लस यू ई है, क्या टेक्स्ट में इसका मतलब क्या है, तो टेक्स्ट में इसका मतलब है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, रिपीटिंग अगेन, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज नोन एज द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, इसके बराबर है V नॉट प्लस यू ई के बराबर है, सो सिंपल। पर अब हो क्या रहा है, ध्यान से देखो कि जैसे जैसे आप इसको आगे शिफ्ट करोगे तो ये ऑब्जेक्ट और इधर आएगा तभी तो और बड़ा होगा, तो मतलब अगर ये F नॉट पे पहुंच गया, ये डिस्टेंस है F नॉट, अगर ये F नॉट पे पहुंच गया तो ये तो इंफिनिटी की तरफ भाग जाएगा, मतलब ये बिल्कुल इधर पहुंच जाएगा, तो यू ई कम हो जाएगा क्योंकि ये बढ़ता जाएगा V नॉट, तो यू ई नेगलिजिबल हो जाए, सो एज यू नॉट अप्रोचेस F नॉट U E becomes zero, लिख दे रहा हूं, as U naught approaches F naught, ठीक, so the U E almost becomes zero, ये कम होता जाएगा क्योंकि इधर शिफ्ट होगा, which means अगर U E zero हो जाएगा तो V naught L के बराबर हो जाएगा, so इस setting में जो V naught है ये आपका L के बराबर हो जाएगा, और अगर ऐसा हो जाता है तो ये जो एम ओ आपने लिखा है इसको आप मॉडिफाई करके लिख सकते हो दैट दिस इज गोइंग टू बी एज इक्वल टू वी नॉट की जगह एल आ जाएगा और यू नॉट की जगह एफ नॉट आ जाएगा एंड दिस इज नेगेटिव, और नेगेटिव क्यों है वो अंडरस्टूड है, एल इस तरफ है और आपका एफ नॉट इस तरफ, इसमें जो ओरिजिनल फॉर्म है ना इसलिए उसके लिए नहीं लिखा हमने, और अब तो वैल्यू फीड कर दी है, अगर वैल्यू फीड करिए तो विद साइन करनी चाहिए, तो हेंस दैट इज माइनस ऑफ एल अपॉन एफ नॉट, इससे मेरे को एक जानकारी मिली, मुझे क्या जानकारी मिली कि भाई ये जो एफ नॉट है इसकी फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, सो द एफ नॉट इज गोइंग टू बी ऑफ स्मॉलर फोकल लेंथ, ये ज्यादा फोकल लेंथ का नहीं हो सकता है
एंड इज गोइंग टू बी स्मॉलर। ये बड़ी मजेदार बात है कि जो एफ ई था वो भी स्मॉलर था, तो एफ नॉट भी स्मॉलर ही है, दोनों स्मॉल फोकल लेंथ। एपर्चर में डिफरेंस है, इसका एपर्चर स्मॉल चलेगा, आपको बड़ा बनाना है बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, वेस्ट होंगे पैसे आपके क्योंकि लेंसेज बहुत कॉस्टली होते हैं। इसको बड़ा बनाना आपकी मजबूरी है, उसका रीजन पहले बता दिए, लार्ज फील्ड ऑफ व्यू के लिए। देख लो इतना बड़ा बन रहा है, आंखों में भी तो समाना है, इस लेंस में भी तो समाना है, उस लेंस में समाया ही नहीं तो फिर आपको दिखेगा कैसे, बड़ा तो कर दिया, दिखा ही नहीं तो फायदा। सो हेंस इट मस्ट हैव अ एनहांस्ड फील्ड ऑफ व्यू, सो इट इज अ शॉर्ट फोकल लेंथ बट लार्ज अपर्चर। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव, इन दैट केस पहले सोचते हैं ऑब्जेक्टिव का काम क्या है। ऑब्जेक्टिव का काम है कि इस ऑब्जेक्ट से फ्लक्स को गैदर कर, लाइट को गैदर कर। तो माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑलरेडी क्लोज होता है, माइक्रोस्कोप इतना सा होता है, वहीं पर ऑब्जेक्ट होता है, सारा कुछ वहीं पर होता है, तो मतलब ऑलरेडी जो ऑब्जेक्ट है वो क्लोजर होता है, तो सारा फ्लक्स ऑलरेडी आ रहा है। ऐसे नहीं क्योंकि फ्लक्स का लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा, सारी रोशनी आ रही है इसके अंदर, तो बस उसके बराबर के साइज का बना लो, दैट्स ऑल। तो आपको लार्ज अपर्चर की जरूरत नहीं, राइट? सो इट इज अ स्मॉल अपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल फोकल लेंथ, लार्ज अपर्चर, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बहुत बार, कॉन्सेप्चुअल वन मार्क क्वेश्चन तो बनता है, चाहे इससे चाहे टेलीस्कोप से। तो ये आपके माइक्रोस्कोप की कैरेक्टरिस्टिक्स है, डोंट कंफ्यूज एंड जनरलाइज दिस विद अ टेलीस्कोप, इसे माइक्रोस्कोप की है। डन हो गई भाई, बात समझ में आ गई, यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे का कार्यक्रम तो पता ही है उसका क्या वर्णन। आगे तो मेरा आईपीएस है और आईपीएस की कहानी तो मेरे को पहले से आती है, तो कहानी खत्म नहीं, कहानी शुरू किसकी, मैग्नीफाइंग पावर। अब देखते हैं मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन क्या बनेगा। सर पहले तो बना लिया था, वो सिंपल माइक्रोस्कोप का बना, ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो सेम हो रही होगा, नहीं तो फायदा क्या बनाने का, इसकी तो ज्यादा आ रही है ना मैग्नीफाइंग पावर। सो लेट्स प्रिपेयर द एक्सप्रेशन फॉर दिस। बेसिक फॉर्मूला सेम है, थीटा अपॉन थीटा नॉट, पर थीटा नॉट का फॉर्मूला भी सेम है, वो तो आपके अनएडेड आई से आ रहा है, जिसके अंदर आपने नियर पॉइंट पे रखा था सेम ऑब्जेक्ट को, जिसकी हाइट कितनी थी h। आगे मेरा ऑब्जेक्ट ये रहा है ना, ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट क्या थी h, आपने ये दोनों लेंस नहीं लगाए और आपने सीधा अपनी आंखों के सामने रखा, तो आपको ये एंगल मिल गया कितना, थीटा नॉट। और वो थीटा नॉट कैसे मिला, जैसे पहले बनाया था, थीटा नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन डी, कुछ बदलेंगे उसके अंदर, थीटा बदला होगा, वो थीटा क्या, जो ये फाइनल इमेज, ये जो एंगल बना रही है, तो ये जो फाइनल इमेज है, ये जो एंगल बना रही है आई पीस पे, वो ये वाला एंगल, सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा। अगर आप थीटा की वैल्यू देखना चाहते हो तो या तो इस ट्रायंगल से देखो, इससे, उसके लिए आपको ये साइड चाहिए होगी, ये भी चाहिए होगी, है ना, तो मतलब ये और डिफरेंट है, ये तो h डबल प्राइम है, और अगर ये वाला डिस्टेंस देखोगे सारा, तो ये आपका ve है, ये सारा डिस्टेंस यहां से, तो आपको h डबल प्राइम और ve देखना पड़ेगा, उससे बेटर है पास में देख लो ना, इससे इस वाले ट्रायंगल से देखो, इस वाले ट्रायंगल से दैट्स h प्राइम अपॉन u। So the value for the theta becomes as h prime upon u e. चलो अब दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, इस बार कुछ अलग है, इस बार h कैंसल नहीं हो रहा है, थैंक्स टू दिस, इसकी वजह से, क्योंकि इसने h की फील्ड ही बदल दी, इसने h को h prime कर दी। So the new magnifying power for the compound microscope, दोनों को डिवाइड कर लो इसको इससे, so that's h prime upon u e and has become d upon h. So the magnifying power, theta ko likh lo, the magnifying power, so if I'm writing the magnifying power, that's equal to h prime upon h and into d upon u e. ho gaya are aur kuch hai iske andar, h prime upon h ka matlab to ye hi hai, क्योंकि ये तो इसी ने करा है और नेगेटिव भी है, क्योंकि h प्राइम नेगेटिव है और h पॉजिटिव है, इसका मतलब h प्राइम अपॉन h की जगह ये लिख सकता हूं मैं, दैट मीन दिस इज सपोज टू बी इक्वल टू
v नॉट अपॉन यू नॉट एंड इनटू d अपॉन यू, ये लिख सकता हूं। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते। अब क्या समझ में आ रहा है कि ये d अपॉन यू ये सेम है, ये एज इट इज है। दिखाओ, देखो कोई बात, चलो पीछे तो नहीं जा रहा, आगे चलो। एक सेकंड, हाँ पीछे चला तो गया। ये देखो दैट इज d अपॉन यू ई, क्या था d अपॉन यू ई, ये पहले आई पीस के लिए, तो आई पीस का रूल सेम है, वो फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, दैट इज d अपॉन यू ई, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज। तो ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली आपके आई पीस का है, और इसके आगे वाला एक्सप्रेशन ये आपके ऑब्जेक्टिव की वजह से। क्लियर हो गया फिर मामला सारा। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं अपनी कन्वीनियंस के लिए, दैट इज अ मैग्निफिकेशन बाय द ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज एंगुलर मैग्निफिकेशन एम थीटा। ऐसा लिखो, एम थीटा मतलब जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो किसने करी है, वो करी है आपके आईपीएस ने, और ये क्या है वो लीनियर मैग्निफिकेशन है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है, वो किसने करी है, वो ऑब्जेक्टिव ने करी। तो या तो फॉर्मूला ऐसे देखो या ऐसे देखो या ऐसे देखो, एक ही बात। या फिर अगर आपको सबसे बड़ा करना है, सबसे बड़ा वो तो कब होगा, जब ये वाली सेटिंग है, मतलब व्हेन एम नॉट इज माइनस एल अपॉन एफ। सो इन दिस सेटिंग इफ यू आर राइटिंग द मैग्नीफाइंग पावर, सो द मैग्नीफाइंग पावर विल बी इक्वल टू वी नॉट अपॉन यू नॉट की जगह माइनस एल अपॉन एफ नॉट एंड इन टू डी अपॉन यू की। सो दैट विल बी द एक्सप्रेशन अगर आपने ये वाली सेटिंग कर रखी है कि आपने ये फीड ही मैक्सिमम कर रखी है, तो ये तो सबसे बड़ा बनेगा, तो ये सबसे मैक्सिमम केस हो सकता। बड़ा मजेदार है ना, माइनस साइन समझा रहा है कि इन्वर्टेड बनी द फाइनल इमेज, जो सेकेंड इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड। अब ये कौन सी इमेज है, सेकेंड, पहली इससे, दूसरी आईपीएस से, तीसरी कौन बनाएगा, मेरा आई लेंस। उसके लिए ये वाली जो इमेज बननी चाहिए ये नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच में होनी चाहिए। तो अगर मेरी इंटरमीडिएट इमेज जो कि आई पीस ने बनाई है और वो नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच में हुई, तो मेरा जो आई लेंस है वो फटाक से उस इमेज को मेरी रेटिना पे बना देगा। तो इसका मतलब वो जो मैंने पहले कंडीशन करी थी वो आज देखा जाए, मतलब दो कंडीशन करी थी केस वन, केस वन क्या करा था, दैट इफ the eye intermediate image is at far point, मतलब infinity पे, और उस condition को मैंने क्या बोला था, normal adjustment, और normal adjustment में मेरी eye क्या थी, least strained या फिर relaxed, कुछ भी language देख लो। तो फिर मुझे condition क्या मिली थी कि यू ई कितना आया था, ऐसी इसका मतलब मेरा जो magnification magnifying power है that can be written from here as v not upon u not के की जगह as it is v not upon u not as it is लिखते था and into d upon f ये बन गया। इसको भी एक्सप्रेशन फॉर mp, और ये कब बनेगा, when the intermediate image कहाँ पर है, infinity, मतलब far point पे बनेगा। और अब चाहो तो v not upon u not की जगह ये डाल सकते हो अगर क्वेश्चन में डेटा आपका एंड करके बने, तो ये एक्सप्रेशन आपका हो जाएगा as minus of l upon f not एंड डी अपॉन एफ, ये एक्सप्रेशन होता है। और इस समय जो एल है वो कितना है, तो एल जो इस कंडीशन में है, इस वाली कंडीशन में, तो वो तो आपका वी नॉट के बराबर है। अदरवाइज अगर हमसे जनरल पूछा जाता है कि एल की वैल्यू कितनी है, तो कितनी है वी नॉट प्लस यू, तो एल को अगर मैं एल इंफिनिटी लिखता हूं सो दैट्स इक्वल टू वी नॉट प्लस ऑफ एफ। वो क्यों, क्योंकि यू ई एफ ई के बराबर है। तो अगर मैं वी नॉट प्लस यू ई लिख रहा हूं सो दैट बिकम्स वी नॉट प्लस ऑफ एफ ई, और ये सारी कंडीशन है अगर जो सेकेंड इमेज बनी, पहली ये है और ये सेकेंड है जो कि आईपीएस ने बनाई है, वो आपकी फार पॉइंट पे बनती है, और अगर ये वाली इमेज आपकी नियर पॉइंट पे बनती है एट ए नियर पॉइंट, तो आपका केस नंबर टू आ जाएगा। सो केस नंबर टू की कंडीशन लिख लेता हूं। So for writing the case number two, थोड़ी जगह बनानी है मेरे को, मैं यहां लिख रहा हूं।
And for the case number two, that is if the image is at near point. Near point का कोई नाम नहीं है, मतलब आप उसको D बोल सकते हो, least से distance of distinct vision बोल सकते हो, I is maximum strained, ये condition बोल सकते हो, जो भी question का मन करेगा, examiner का मन करेगा, उस condition में जो MP है, magnifying power जो है, जो पहली वाली term है, वो तो V naught by U naught है, और second term कितनी हो जाती है, 1 plus D upon F, जो कि हमने आईपीएस के वर्किंग से देखी थी, पीछे चल के चेक कर लेता। तो जो आईपीएस की वर्किंग से देखी थी वो ये थी, ये आपकी थी इंफिनिटी के लिए डी अपॉन एफ, और अगर इमेज जो है वो लीस्ट से डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है तो मैग्नीफाइंग पावर जो आईपीएस से आ रही थी कितनी थी, 1 प्लस डी अपॉन एफ। तो आईपीएस का रोल एग्जैक्टली सेम रखा है, तो हेंस दिस एक्सप्रेशन इज इस फॉर्मूले के हिसाब से m थीटा कितना हो गया, 1 प्लस d अपॉन f, अगर फार पॉइंट पे थी तो m थीटा की वैल्यू कितनी थी, d अपॉन f, नियर पॉइंट पर है तो m थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस d अपॉन f, और m नॉट तो सेम है, v नॉट बाय u नॉट एज इट इज, तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। फिर क्लियर है कि ये वाली जो वैल्यू है वो इससे ज्यादा ही है, इससे ज्यादा ही रहेगी, ठीक है ना। अब एक डेटा चेक करके देखते हैं, डेटा चेक हमने पहले सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या देखा था, वापस चले कि हमने d की वैल्यू को 25 रखा, ठीक है, और एफई की वैल्यू को 5 रखा, तो ये था 25/5 5 टाइम्स, और ये 5+1 6 टाइम्स, सो रेंज जो झूल रही थी वो 5 टाइम्स टू 6 टाइम्स के बीच में झूल रही, ठीक है, ये थी सिंपल माइक्रोस्कोप से। अब देखते हैं फॉर द केस ऑफ दिस, अब देखो ये डी अपॉन एफई अभी भी 5 ही रहेगा, लेकिन ये जो टर्म है ये मोर देन 1 है, क्योंकि ये आपकी मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव है और उसने इसको बड़ा करा, मतलब ये टर्म h प्राइम अपॉन h है, तो ये मोर देन 1 आनी, तो मान लो 2 आ गई, सिंपल 2, तो ये आपका 5 था, 5 इंटू 2 10 टाइम्स हो गई, तो आपकी मैग्निफाइंग पावर 10 टाइम्स हो गई, और इसके हिसाब से ये 5+1 6 एंड 6 इंटू 2 12 हो गई, तो आपकी मैग्निफाइंग पावर की रेंज 10 टाइम्स टू 12 टाइम्स होगी, जो कि पहले कितने थी, 5 टाइम्स टू 6 टाइम्स, और थैंक्स टू व्हाट, थैंक्स टू दिस ऑब्जेक्टिव, नहीं तो आई पीस तो वही कर रहा, आई पीस का एंगुलर मैग्निफिकेशन देखोगे वो अभी भी 5x टू 6x है, 5 टाइम्स टू 6 टाइम्स ही, एक्स्ट्रा कंपाउंड का मतलब क्या हुआ कि ये जो लेंस लेकर आया है उसने भी अपना रोल अदा करा है, लेकिन एंगुलर मैग्निफिकेशन में नहीं करा है, किसमें रोल अदा करा है, लीनियर मैग्निफिकेशन में, कि जो फील्ड इसको दी है वो बढ़ा के दी, सो हेंस वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और इसके अंदर भी अगर आप ये वाली बेस्ट सेटिंग्स लगाना चाहते हो तो फिर वी नॉट अपॉन यू नॉट को माइनस एल अपॉन एफ नॉट लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन में एल का जिक्र आ रहा है तो, राइट, और ये बोला गया कि यू नॉट एफ नॉट के बराबर है तो, नहीं तो ये आपका जनरल एक्सप्रेशन, और जनरल एक्सप्रेशन में ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि u की जो वैल्यू आती है दैट इज d fe अपॉन d प्लस fe, और ये आपकी d से कम आती है, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट प्लेस होता है वो जो है वो आपका d fe अपॉन d प्लस fe, मतलब कम वैल्यू आ रही होती है u की, मतलब 25 सेंटीमीटर से कम आ रही होती है। सो इफ यू आर राइटिंग द लेंथ इन दिस कंडीशन, अगर आप यहां पे लेंथ लिखोगे ना तो दैट लेंथ इज इक्वल टू as v naught plus u e, so that's v naught plus d f e upon d plus of f e, ये आपकी l d की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर एक मतलब मजेदार सी बात है, मतलब सुनने को, ये वाली मैग्निफिकेशन पावर मतलब मैग्निफाइंग पावर इससे ज्यादा है, फॉर्मूले से भी दिख रहा है, लॉजिक से भी दिखता है कि नियर पॉइंट पे होगा मतलब पास होगा तो सही ज्यादा बड़ा होगा, तो मैग्निफाइंग पावर इसमें ज्यादा आएगी, इसमें कम आएगी, तो पास होगा तो ज्यादा बड़ा होगा लेकिन लेंथ कम हो जाएगी ना, तो भी पास, तो इसमें जो लेंथ आएगी वो घट आएगी जो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीएस है, और इसमें लेंथ ज्यादा आएगी क्योंकि अंडरसोड है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप फार पॉइंट को यूज कर, इस तरीके से आप दिमाग में रख सकते हो कि इन द नियर पॉइंट कंडीशन
मतलब लीस्ट से डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन कंडीशन में आपकी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो ज्यादा है, लेकिन जो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर आप आई को लेस स्ट्रेंड रखते हो, रिलैक्स रखते हो, फार पॉइंट सेटिंग्स करते हो, नॉर्मल एडजस्टमेंट सेटिंग करते हो, तो उस केस में आपकी मैग्नीफाइंग पावर तो थोड़ी कम रहेगी, उतनी भी कम नहीं है, है तो ज्यादा ही, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम रहेगी, लेकिन लेंथ ऑफ ट्यूब इंक्रीज हो जाएगी। सो दैट्स योर एवरीथिंग अबाउट योर कंडीशन ऑफ योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें ध्यान रखें फिर से, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में समझाया था, ये एक्सप्रेशन आपका मैग्निफाइंग पावर का, जिसमें ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है और आईपीस के लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन। यहां पर क्वेश्चन कभी भी आपको कंफ्यूज करने के लिए इसको एक स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का क्वेश्चन भी मान सकता है और पूछ सकता है फाइंड द ओवरऑल मैग्निफिकेशन। तो कहीं क्वेश्चन ने अगर ऐसा पूछ लिया दैट फाइंड द ओवरऑल मैग्निफिकेशन, सो द ओवरऑल मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू एम ओ इनटू एम ई, ये आएगा, वो से डिफरेंट है, उसमें ऑब्जेक्टिव का तो सेम ही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो पहले भी वही कर रहा है ना, तो मतलब ये तो आपका वी नॉट अपॉन यू नॉट ही रहेगा, और आपका जो एम ई है वो आपका वी ई अपॉन यू ई हो जाएगा, और ये सेम नहीं आने वाला। सो ओवरऑल मैग्निफिकेशन इज अ डिफरेंट टर्म ऑल टूगेदर, ठीक, और मैग्निफाइंग पावर प्लेज ऑन द विजुअल एंगल, और विजुअल एंगल देखा जाता है हमेशा आई के रिस्पेक्ट में, मतलब आई पीस के रिस्पेक्ट में, इसलिए एंगुलर मैग्निफिकेशन सिर्फ आई पीस की देखी जाती है, और ऑब्जेक्टिव का सिर्फ क्या देखा जा रहा है, लेटरल या लीनियर मैग्निफिकेशन। अब यहाँ पे अगर आप नेचर ऑफ द इमेजेस की बात करोगे तो भी प्रेटी मच क्लियर है कि जो फर्स्ट इमेज बनी थी दैट वॉज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड, लेकिन अगर आप सेकेंड इमेज का कैरेक्टर देखोगे सो दैट इज वर्चुअल एंड दैट्स इरेक्ट, that's inverted and magnified with respect to object. अगर आप इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो that's virtual है ना, तो आप ध्यान रखना कि किस इमेज की किसके रिस्पेक्ट में पूछी हुई है, तो usually ये वाला पूछ लिया जाता है, so this is your virtual and inverted with respect to the object and magnified object. So this is your simple microscope theory complete. थ्योरी क्या क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है, मतलब थ्योरी तो सिंपल ये होती है कि बता देते कि इसकी वर्किंग क्या है, वर्किंग के साथ में आपको हर पॉसिबल कंडीशनिंग एक्सप्रेशन दिया कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर नियर पॉइंट पे बनेगी तो क्या होगा, अगर ये सेटिंग कर ली तो फिर क्या होगा। अब एक नॉर्मलाइज क्वेश्चन सोचो, पूरे क्वेश्चन की हायरार्की सोचो, कंप्लीट क्वेश्चन की हायरार्की कैसे सोच के देखो, आपको एफ नॉट गिवन हो एफ ई गिवन हो, ठीक है, अब आपके नॉर्मल क्वेश्चन है, इनमें से कुछ भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना इनमें से कुछ भी ना हो, ये केस और ये केस ना हो, फिर क्या करोगे, तो बड़ा ही सिंपल सॉल्यूशन, आपको यू नॉट पता है, आपको एफ नॉट पता है, वी नॉट निकालो, दोबारा बोल रहा हूं, आपको एफ नॉट गिवन है, आपको यू नॉट गिवन, ऑब्जेक्ट कहां रखा बताया जाएगा, ठीक है, आप उससे वी नॉट निकालोगे, पहले से वी नॉट निकल गया, अब आप लेंथ को यूज करोगे, लेंथ गिवन होगा, बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, अगर आपको लेंथ गिवन है, अब आपने वी नॉट निकाल लिया तो लेंथ में से वी नॉट माइनस करो, तो वी नॉट माइनस करो तो आपको यू ई मिल गया, अब आपको यू ई मिल गया, अब आप यू ई यहाँ पे फीड कर, तो आपको एफ ई गिवन होगा तो आपको वी ई मिल जाएगा, खत्म हो गया था, दैट्स इट, एंड यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग व्हिच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। सो दिस इज हाउ यू नीड टू अप्रोच बिट बाय बिट, अब रिवर्स भी हो सकता है कि आपको इधर वाला डेटा गिवन हो, इनिशियल पूछा हो तो रिवर्स चल जाएगा, कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला बेस आगे तो फॉर्मूला बनाते चलिए आप, अगर वैसा नहीं है तो भी आपको सीक्वेंस सकता है, यू नॉट मतलब पहले ऑब्जेक्टिव, उससे वी नॉट निकालो, लेंथ में से वी नॉट माइनस करोगे यू ई आ जाएगा, उससे आपका वी ई मिल जाएगा, तो सारी टर्म्स सामने आ बचा गया, तब कुछ भी निकाल सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, जो भी क्वेश्चन पूछे आप, इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा इसका निकाल लो, इसके बारे में पूछेगा उसका निकाल लो, ओवरऑल मैग्निफिकेशन पूछ रहे हैं वो निकाल लो, मैग्निफाइड पावर पूछ रहा है वो निकाल। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज डन, एंड वन मोर थिंग, ये जो फॉर्मूले है ना जो कि आपको किताबों में मिलते हैं, मैंने भी बनाया, ये स्पेसिफिक फॉर्मूला है, ये आपके फार पॉइंट का फॉर्मूला है,
ये नियर बॉडी का फॉर्मूला, ये है अच्छा फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला, इसमें UE को FE फीड करा तो ये बना, आपने इसमें UE को ये फीड करोगे तो ये बनेगा, पर जनरल फॉर्मूला तो यही है ना, तो खत्म होगी ना बात। अब आप क्या करोगे अगर आपको क्वेश्चन आए और आपको मैग्नीफाइंग पावर निकाल और ये दोनों केस नहीं है, तो फिर क्या करोगे? आपने यू ई निकाल लिया, टिकरी जो मैंने समझाया, पहले वी नॉट निकाला, एल में से वी नॉट माइनस करा, यू ई निकाल लिया, अब यू ई को सीधा प्लेस कर दो यहाँ, यू नॉट है वी नॉट है पहले से बता दिया आपको, डी तो 25 सेंटीमीटर होता है, जो यू ई निकाला फीड कर दो एम बी आ जाएगा, तो किसी फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, और फिर भी आपको लगता है कि मैंने आपको पढ़ाया नहीं, मैंने आपके सामने खुद डिनाइ करा, क्यों? क्योंकि मुझे ये आता था, तो मुझे तो कुछ वैल्यू फीड करनी थी, मुझे तो बात समझ में आ गई थी, आप भी समझ रहे एक बार, तो आपको इतने भयानक रट्टे नहीं मारने पड़े। अब बेसिक फॉर्मूला दे दो कि आपको v नॉट प्लस यू ई है और इस केस में यू ई एफ ई के बराबर होता है, अब यू ई की जगह एफ ई फीड कर दो, बन गया फॉर्मूला। इस वाले केस में यू ई 1/u = 1/g + 1/f से आता है, तो वो वैल्यू फीड कर दो, आपका ये एल का फॉर्मूला बन गया, ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बन गया, सिंपल। और ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो कोई बात नहीं, एमपी मतलब ऑब्जेक्टिव अलग करके पढ़ो, आई पी सेलेक्ट करके पढ़ो, ऐसे पढ़ाया मैंने आपको, तो पहले आई पी इसको अच्छे से कर लो, तो ये आपका आई पीस है, अब आप उसको सिंपल माइक्रोस्कोप बोलने पे लगे हो, आप उसको मैग्नीफाइंग लेंस बोलो, ये सिंपल आई पीस बोलो, ये उसके आई पीस की थ्योरी है, फिर उसके साथ कंबाइन कर लो, सिंपल हो गया। तो दिस इज अ वे टू एक्चुअली अप्रोच द क्वेश्चंस ऑफ द माइक्रोस्कोप, एंड इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक, मतलब अगर मैं क्वेश्चन देखूंगा और आप रे ऑप्टिक्स की जनरल प्रैक्टिस करोगे तो आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के मिलेंगे, सबसे ज्यादा रीजन अंडरस्टूड है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज तो उसके अंदर सारे इंक्लूड हो जाए, रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस, सिंगल लेंस फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, सब कुछ यूज हो जाता है, मैग्नीफिकेशन सब कुछ यूज हो जाता है, एक्स्ट्रा मैग्नीफाइंग पावर यूज हो जाती है। तो कल जब हम करेंगे मतलब नेक्स्ट क्लास में जब भी हम करेंगे कल का पेपर आपका, तो तब हम इसके अंदर पहले इसके क्वेश्चन भी देखेंगे और फिर हम टेलीस्कोप की तरह बनते हैं, या टेलीस्कोप पढ़ लेंगे उसके बाद एक साथ क्वेश्चन कर लेंगे, इसके क्वेश्चन पहले कर लेंगे, टेलीस्कोप उसके साथ में। आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ब्रेक करते हैं, थैंक यू। ओके जी भाई जाग रहे हैं ना, थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू सर भाई।